वास्तु के अनुसार नमक में गजब की शक्ति होती है। ये ना सिर्फ हमारे लिए खाने में बहु उपयोगी है, बल्कि ये घर परिवार की परेशानियों को दूर करने में भी कारगर है। ये घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के साथ साथ हमें सुख समृद्धि भी देने का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं नमक के चमत्कारिक उपाय। यदि मन अशांत, चिंतित या बेचैन है तो नमक मिले हुए जल से स्नान करें। इसके अलावा दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। यदि किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं या फिर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। शनि, चंद्र और मंगल के दुष्प्रभाव से मुक्ति चाहते हैं तो भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से ना डालें। ऐसे में काला नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि, चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होगा। सुखी रहने के लिए किसी शत्रु या पापी पुरुष के यहाँ का नमक कदापि ना खाएं। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इस टुकड़े को महीने भर के बाद में बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। इससे पति और पत्नी में क्लेश नहीं रहेगा। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। पानी और नमक बदलते रहें। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम और टॉयलेट में रखें। हर माह कटोरी का नमक बदल दें। गुरुवार को छोड़कर घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। तो दोस्तों, नमक के इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।